Now I'm going to discuss CSR with you. It will this lecture is complete lecture. It is not only amendments. I will discuss every bit of detail in this corporate social responsibility with you. There are two major amendments also in this. एक एक करके विल गो थ्रू इट. ओके ना, प्लीज बोर्ड पे ध्यान से देखना. आज की टॉपिक का नाम क्या है? एज यू कैन सी ऑन द पोडियम इट इज मेंशन्ड CSR विच स्टैंड्स फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऊपर लिखा हुआ है. एंड साथ में एक्स्ट्रा क्या लिखा है? पीएम केयर्स. ये पीएम केयर्स नाम कब आया था? इफ़ यू रिमेंबर मार्च के एंड में, अराउंड 21 मार्च के आसपास प्राइम मिनिस्टर ने लॉकडाउन अनाउंस किया था. एंड दैट द सेम एंड ड्यूरिंग द सेम टाइम अ न्यू फंड वॉज सेटअप स्पेशली फॉर कोरोना, और उस फंड का नाम था पीएम केयर्स. फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर केयर्स का फुल फॉर्म है सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन. नाउ पहले से देयर वाज अ फंड प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, सुना होगा तुमने प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड. फिर भी कोरोना के लिए अलग से एक फंड बनाया गया था कॉल्ड पीएम केयर्स. ठीक है, तो सीएसआर में इस अमेंडमेंट को ऐड कर दिया गया. ये भी कोविड अमेंडमेंट है और ये इंस्टीट्यूट के, मैं क्लियर बोल रहा हूं आपको, इफ यू कैन डाउनलोड द सी इंस्टीट्यूट का अमेंडमेंट लिस्ट, वहां पीएम केयर्स फंड एकदम क्लियरली मेंशन किया हुआ है. तो दिस इज ऑल्सो कोरोना अमेंडमेंट, बट दिस इज एप्लीकेबल फॉर एग्जाम. सो वी कैन नॉट हैव अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट लाइक कोरोना अमेंडमेंट्स आर नॉट एप्लीकेबल फॉर एग्जाम. दे आर. This one is a Corona amendment. Okay. फिलहाल my purpose in this lecture is not to discuss just amendments with you. I will discuss the entire thing with you. पूरा CSR concept ही I will discuss with you. ठीक है. Now look at the board first. ये CSR अपना start हो गया. आपको दिख रहा है नीचे, देखो आप section number क्या देखो तो बोलो 135. This lecture is applicable for all intermediate students. उनके syllabus में corporate social responsibility है. CMA inter के syllabus में नहीं है, वो नहीं पढ़ेंगे. ठीक है, आओ देखते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन नंबर 135. ये पूरा सेक्शन देखो, इतना लंबा सेक्शन है, ये चलते जा रहा है. एंड देन शेड्यूल 7, उसमें भी अमेंडमेंट है. येलो कलर दिख रहा है, ऑल द येलो कलर पोर्शन इज अमेंडमेंट. ठीक है ना, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस. मैं एकदम अच्छे से इसको डिस्कस करूंगा. ये नोट्स के जो लिंक हैं वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो तुमको नोट्स मिल जाएंगे. सो देर इज नो प्रॉब्लम विद नोट्स एज सच. अच्छा, अभी आई विल शो यू सम डायग्राम्स जो मैंने कॉपी में बनाए हैं, तुमको भी कॉपी में ही ड्रॉ करने हैं. ये देखो इधर, ज़्यादा नहीं है, देख लो इधर. इट्स मैक्सिमम वन पेज है, जिसको ऑब्वियसली मैंने टू पेज में कन्वर्ट कर दिया है. तो इट्स अ वन पेज नोट जो मैं पढ़ाते तभी यूज़ करूँगा, थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा और कुछ नहीं. और उसको प्लीज़ कॉपी करना है. मैं हज़ार बार स्टूडेंट लोग के साथ रिक्वेस्ट करते रहता हूँ कि यू हैव टू हैव दिस राइटिंग प्रैक्टिस. थ्योरी पेपर्स में अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे, ट्रस्ट मी, आप आगे जाके आपको बहुत दिक्कत होगी. आई एम टेलिंग यू वन थिंग, वंस यू क्वालिफाई एग्जाम एंड यू एंटर योर सर्विस जॉब या प्रैक्टिस जो भी, तब तुम्हारा लिखने का काम बंद हो जाएगा. आई एम अ टीचर, मेरा राइटिंग आज भी चल रहा है, पर अगर तुम टीचिंग प्रोफेशन में नहीं हो, देन तुम्हारा ये जो पेन पेपर राइटिंग है ना, टोटल खत्म हो जाएगा. देन यू विल बी ऑलवेज टाइपिंग ऑन लैपटॉप. ठीक है, बट जब तक एग्जाम नहीं दे देते तब तक तो राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए, और स्पेशली थियरी पेपर्स में, क्योंकि इफ यू डोंट राइट तुम नहीं लिख पाओगे एग्जाम में. ठीक है, तो ट्रस्ट करो उसको. मैं प्रिंटेड नोट्स जो होते हैं वो तो मैं ये दिस आई ऑलवेज पुट, मैं अभी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम कर सकते हो. बट कॉपी नोट्स प्लीज ड्रॉ करो. फोटो लेने से कोई फायदा नहीं होगा. मतलब तुम सोच रहे हो कि यूट्यूब में तो वीडियो है, मैं फोटो ले लेता हूँ, हो जाएगा. सर वो जमा हो जाएगा आपके पास, आपको ज़रा सा भी ना जमा हुआ वह चीज़ बाद में कभी देखोगे नहीं, कॉन्फिडेंस आएगा नहीं. और कॉपी में अगर बनाया हुआ रहेगा तो एक तो प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छे से, और सारे नोट्स कॉपी में रहने से क्या रिवीजन बहुत अच्छा होगा. द बेस्ट रिवीजन स्टाइल इज कॉपी एंड बुक, इट्स नॉट एनी वीडियो. वीडियोज़ वगैरह जो होते हैं रिविजन के, वो सिर्फ सपोर्ट पर्पज वगैरह के लिए बन गया, बट मतलब असली रिविजन जो बिफोर एग्जाम होता है ना, वो कहाँ से होता है? वो बुक और कॉपी से ही होता है. क्लियर है? आओ स्टार्ट करते हैं. कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहले तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल कंपनीज, इट इज एप्लीकेबल फॉर बिग कंपनीज जिसके लिए कुछ थ्रेशोल्ड गवर्नमेंट ने बना रखा है. तो इट इज नॉट फॉर ऑल कंपनीज, इट इज फॉर बिग कंपनीज. नाउ यहां पर बिग कंपनीज का मतलब क्या देखते हैं. चलो ये रहा, आई हैव मेड अ कंडेंस डायग्राम विच कैप्चर्स एवरीथिंग. मैं इसको एक्सप्लोडेड व्यू में कर करके दिखाऊंगा आपको, देखना इधर. ठीक है, एवरी कंपनी जो ये फिगर्स को सेटिस्फाई करता है, दे हैव टू फॉलो CSR. ओके, सो एवरी डज नॉट मीन लाइक एवरी, एवरी मीन्स एवरी कंपनी विच सेटिस्फाइज वन ऑफ द थ्री कंडीशंस. इसमें याद करने के लिए बोलेंगे 500, 1000, 5, 500, 1005. नेटवर्थ ग्रेटर देन इक्वल टू 500 करोड़, और टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 करोड़, और पीबीटी, पीबीटी का मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5 करोड़. ठीक है, तो ये अगर आपके ये फिगर्स सेटिस्फाई हो रहे हैं, वन ऑफ द थ्री, देखो यहां और लिखा है ना, और
तो वन ऑफ द थ्री फिगर्स अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं तो आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो नॉर्म्स बनाए हुए हैं यू हैव टू फॉलो दोज नॉर्म्स, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मान लो कोई कंपनी है जिसका नेटवर्थ तो 500 करोड़ से कम है और टर्नओवर भी 1000 से कम है, पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स किसी साल कोई पर्टिकुलर ईयर 5 करोड़ क्रॉस कर गया, तो अब तो इनको CSR फॉलो करना पड़ेगा, हर साल 2-2% खर्च करना पड़ेगा। लेकिन अब इनके लिए क्या बोला है कि अगर कोई कंपनी है जो जिसके ऊपर एक बार CSR लग गया था बिकॉज उसका कोई भी एक थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया था 500,000 या 5 से, तो उस पर अगर एक बार CSR लग गया है पर बाद में उसके फिगर्स कम हो गए हैं, तब इमिडिएटली CSR हटेगा नहीं, एटलीस्ट 3 consecutive years तक, एटलीस्ट नीचे देखो इधर 3 consecutive years तक उनके जो लिमिट्स, उनके जो फिगर्स हैं नेटवर्थ टर्नओवर PBT वो लिमिट से कम होना चाहिए लगातार 3 साल तक, तब जाके उनके ऊपर से CSR हटेगा। तो एग्जाम में एक बार एक क्वेश्चन आया था जिसकी लैंग्वेज बहुत गंदी तरीके से ड्राफ्ट की थी इन्होंने एग्जाम में, दे रोट की ऑन विच कंपनीज CSR इज नॉट एप्लीकेबल। सो ऐसे तो ये लग रहा है कौन सी कंपनीज में CSR नहीं लगेगा, द लैंग्वेज इटसेल्फ इज रॉन्ग। वॉट दे वॉन्टेड टू आस्क वाज कि वेन डज द रिक्वायरमेंट ऑफ CSR गेट एलिमिनेटेड फ्रॉम द कंपनी, द आंसर इज वेन द लिमिट्स ऑफ द कंपनी आर बिलो द थ्रेशोल्ड 500-1005 फॉर 3 consecutive years, देन CSR गेट्स एलिमिनेटेड फ्रॉम दैट कंपनी। अच्छा, CSR करने का सबसे पहला फंडा जो होता है दैट द कंपनी मस्ट हैव अ कमिटी, अ स्पेशल कमिटी कॉल्ड CSR कमिटी। मैं समझा रहा हूँ, लुक एट दिस, दिस इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देर आर 11 मार्कर्स इन दिस कंटेनर, 11 मार्कर्स, लेट्स कॉल देम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैविंग 11 डायरेक्टर्स। सो योर CSR कमिटी, इधर इधर, योर CSR कमिटी मस्ट हैव, यू हैव टू क्रिएट अ कमिटी आउट ऑफ दिस, इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट 3 directors आउट ऑफ विच वन शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सो नीचे देखो आप क्या लिखा हुआ है, ब्लू कलर, एटलीस्ट 3 directors इंक्लूडिंग 1 independent director। तो 3+1 4 नहीं है, 3 directors आउट ऑफ विच वन इज इंडिपेंडेंट, तो दैट इज द CSR कमिटी। अच्छा, स्टूडेंट्स मे हैव अ क्वेश्चन कि सर ऐसा कोई कंपनी हो सकता है जिसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज मोर देन 5 करोड़, पर जिसके अंदर ना 3 director है ही नहीं, प्राइवेट कंपनी है। सर प्राइवेट कंपनी में भी तो प्रॉफिट 5 करोड़ प्लस हो सकता है ना, तो वो प्राइवेट कंपनी उसमें 2 ही director है, तब कोई टेंशन नहीं है, आप 2 director लेके कमिटी बना दो, ठीक है। इफ इन्होंने साफ बोल रखा है इफ द कंपनी डज नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मतलब कंपनी के ऊपर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रूल्स एप्लीकेबल नहीं है, देन इन दैट केस द कमिटी शैल कंसिस्ट ओनली ऑफ 2 directors, तो कोई झमेला नहीं है। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट यू हैव टू क्रिएट अ CSR कमिटी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यह लगता है कि सेक्शन नंबर 135 का पर्पस है 2% का फिगर इंपोज करना। नो, सेक्शन 135 का सबसे मेन पर्पस है कि द कंपनी मस्ट हैव अ कमिटी, CSR कमिटी, जो जैसे ये डायरेक्टर्स हैं इसमें से 3 जन को लेके आप एक कमिटी बनाओ जो होल हार्टेडली डेडिकेटेड कंपनी में CSR पॉलिसी बनाएंगे, उसके लिए फंड्स एलोकेट करवाएंगे, उसके स्पेंडिंग को मॉनिटर करेंगे। सो देर हैज टू बी अ डेडिकेटेड टीम फॉर CSR। सो मेन पर्पस इज द क्रिएशन ऑफ सेक्शन ऑफ CSR कमिटी। अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द मेन पर्पस of section 135, then you should not say that it is about spending 2% of the average profits on CSR. No, you should say the main purpose is to create a dedicated system inside the company by constituting a committee on CSR. Yeh raha committee, theek hai na? Acha, ab yeh dekho kya likha hai. For a company which does not have independent directors because it is not required under section 149 to have independent directors, in such a case, 2 directors से भी आप कमेटी बना सकते हो। What is the objective of CSR committee? CSR committee का 3 काम है, ये देखो इधर, CSR committee का 3 काम है। नंबर 1, उधर से देखना, उर्दू उधर से, नंबर 1, फॉर्मुलेट CSR पॉलिसी। कंपनी लॉ के लास्ट में एक शेड्यूल है, शेड्यूल नंबर 7, जो इन नोट्स में भी है, जो मैंने डाला भी है, ठीक है, दिखाऊंगा मैं शेड्यूल 7। तो शेड्यूल 7 कंटेन्स अ लॉट ऑफ गुड एक्टिविटीज जो CSR में होती हैं। तो अ कंपनी मस्ट ऑल्सो क्रिएट इट्स ओन CSR पॉलिसी इन लाइन विद शेड्यूल 7। मतलब शेड्यूल 7 में जैसा एक्टिविटीज बोला आप उसी में से कुछ एक्टिविटीज चुनो और आप अपना CSR पॉलिसी बनाओ। नाउ मेरे बात को समझो, CSR पॉलिसी का मैं पर्पस तुमको बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है कि गवर्नमेंट ने खुद बोला है कि आप जिस लोकेशन में आपका बिजनेस है आप वहाँ के लोकल एरिया में ज़्यादा CSR करो।
अभी कोई कंपनी अगर महाराष्ट्र की है तो वो महाराष्ट्र में ज़्यादा सीएसआर करेगी, कोई बैंगलोर की है तो बैंगलोर में करेगी, कोई कोलकाता की है तो कोलकाता में ज़्यादा सीएसआर करेगी। सो सीएसआर करते वक्त कंपनी शुड ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू इट्स लोकल एरिया जहाँ पे उसका बिजनेस एक्टिविटीज ऑपरेशन होता है। वी आर नॉट सेइंग कि जहाँ उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, वी आर सेइंग जहाँ उसका बिजनेस ऑपरेशन होता है उन एरियाज में वो ज़्यादा सीएसआर करेंगे। इट्स नाइस, तो ये बात सीएसआर पॉलिसी में लिखना चाहिए अपने को। सेकेंड, सीएसआर तो बहुत सारे तरीकों से हो सकता है, अभी मैं दिखाऊंगा तुमको, देयर आर लॉट ऑफ वेज इन विच दे कैन डू सीएसआर। तो ये थोड़ा जरूरी है कि कंपनी विल डू सीएसआर इन ऑल दोज एक्टिविटीज, कंपनी विल सेलेक्ट 2-3 एक्टिविटीज, उनका जो मेन पर्पस है 2-3 एक्टिविटी बढ़िया सेलेक्ट करेंगे और उसी पे ज्यादा फोकस करेंगे। सी देयर इज नो पॉइंट इन स्प्रेडिंग योर लिमिटेड फंड्स ओवर ऑल सीएसआर एक्टिविटी, उससे फायदा गवर्नमेंट दुनिया को भी ज्यादा नहीं होगा। इससे बेटर है यू चैनलाइज योर फंड्स टू स्पेशल 2 or 3 एक्टिविटीज फॉर सीएसआर। तो आप एक सीएसआर पॉलिसी बनाओ। सेकेंड, डिटरमाइन द अमाउंट टू बी स्पेंट। लॉ सेज कि द कंपनी मस्ट एटलीस्ट स्पेंड 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ 3 इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। 3 इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो एवरेज नेट प्रॉफिट है उसका 2% आपको सीएसआर करना चाहिए, ऐसा लॉ बोलता है। पर आप ज्यादा भी तो कर सकते हो, बिकॉज द लॉ सेज एटलीस्ट 2%। सो द कंपनी में डिसाइड कि वी विल डू 2.5% और 3%। ओके, मैं इसके ऊपर और डिटेल में आऊंगा आफ्टर सम टाइम। द थर्ड पर्पस इज यू हैव दे हैव टू मॉनिटर द सीएसआर पॉलिसी। सी द सीएसआर पॉलिसी इवॉल्व्स एंड चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। आज अगर एक कंपनी है वो अपना बिजनेस ऑपरेशन चेंज करेगी, देन वो लोग अपना सीएसआर का एक्टिविटी भी चेंज कर सकते हैं। तो द कमिटी शैल मॉनिटर द पॉलिसी एंड रिव्यू इट फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो ये हुआ 3 पर्पसेस। नाउ ये आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ये मेन डायग्राम है। अभी मैं इस डायग्राम को एक बार फटाक से समराइज करता हूँ एंड देन वी विल गो टू द बुक पोर्शन। विच कंपनी इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट CSR committee? Number one, every company having one of the three things: net worth greater than equal to 500, turnover greater than equal to 1000, or PBT, profit before tax, greater than equal to 5 crore. If the company fails to satisfy all the three limits for consecutive 3 financial years, then it shall cease to follow CSR policy under section 135. Such companies have to constitute a CSR committee comprising of at least 3 directors, out of which one shall be independent director. ठीक है, एंड इफ द कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स देन दे शैल द कमिटी शैल कंप्राइज ऑफ एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सीएसआर कमिटी? 3, नंबर 1 फॉर्मुलेट अ सीएसआर पॉलिसी इन लाइन विद शेड्यूल 7, नंबर 2 डिटरमाइन द अमाउंट टू बी स्पेंट ऑन सीएसआर, एंड 3 मॉनिटर द सीएसआर पॉलिसी। अभी आप देखो ये जितना भी अपने डिस्कशन किया ना, ऑल ऑफ दैट इज रिटन ओवर हियर। ये दिख रहा है, सब लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, अच्छा, कंपनी एक सीएसआर रिपोर्ट बनाएगा अलग से, सीएसआर रिपोर्ट कि कंपनी का कैलकुलेशन कितना आ रहा है 2% का, और कंपनी ने कहाँ कहाँ स्पेंड किया ड्यूरिंग द एंटायर फाइनेंशियल ईयर। तो एक सीएसआर रिपोर्ट बना के कंपनी अपने एनुअल रिपोर्ट में डालेगा, दैट इज डिस्क्लोजर इन बोर्ड रिपोर्ट। तो बोर्ड रिपोर्ट में ज्यादा डिटेल नहीं होता, बोर्ड रिपोर्ट में तो बस वो लोग बता देते हैं कि सीएसआर कमिटी ऐसा ऐसा है, बाकी ये डिटेल्ड सीएसआर रिपोर्ट इज पुट। रोल ऑफ सीएसआर कमिटी पढ़ लिए, वो 3 रोल था, अभी कॉपी में डायग्राम में कवर हुआ है ना। फॉर्मुलेट रिकमेंड द अमाउंट, मॉनिटर द सीएसआर पॉलिसी। ड्यूटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इधर देखो, सपोज ये 3 डायरेक्टर्स हैं सीएसआर कमेटी और ये पूरा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो सीएसआर कमेटी अपना पॉलिसी बनाएगा और अपना रिकमेंडेशन इनको देगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको गो थ्रू करेगा और उसको अप्रूव करेगा। द बोर्ड ऑफ एवरी कंपनी जो सीएसआर में फॉल करता है, After taking into the recommendation made by the CSR committee, approve the CSR policy और उसको वेबसाइट पे कंपनी के पुट कर देगा, उसको कंपनी के वेबसाइट पे पुट कर देगा। And they will also ensure that the CSR policy has those activities and the company is actually doing those activities. Great. यहाँ तक सब ओके था। अब बॉस सर यहाँ से अमेंडमेंट आना चालू हो गया जोरदार, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दी अमेंडमेंट पोर्शन। अब इसके लिए भी आप देखो 135 का 5 मैंने बगल में स्टार दिया है ना, कैन यू सी दैट स्टार, दैट मीन्स इसमें हैवी अमेंडमेंट है। इसके बाद ये 135 का 6 देख रहे हो, हैवी अमेंडमेंट। तो ये इसको हम लोग कॉपी से करेंगे। और ये पनिशमेंट, अभी तक सीएसआर के अंदर पनिशमेंट नहीं होता था, अब इन्होंने सीएसआर में पनिशमेंट डाल दिया फॉर द फर्स्ट टाइम। सो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पहले पता है क्या था, द सेक्शन 135 डिड नॉट हैव एनी पनिशमेंट एट ऑल। तो जहाँ कोई पनिशमेंट नहीं होता वहाँ पे सेक्शन नंबर 450 का पनिशमेंट लगता है, विच वॉज वेरी ट्रिवियल, इट वॉज 10,000 प्लस 1,000 रुपीज़ पर डे। तो अब गवर्नमेंट ने बोला हटा उसको,
अब सेक्शन 135 हैज हैवी पेनल्टी. आप देखो पेनल्टी का अमाउंट 50,000 से 25 लाख, 50,000 से 25 लाख. अगर वो कंपनी जिस पे सीएसआर एप्लीकेबल है और वो सीएसआर पॉलिसी फॉलो नहीं कर रहा है या 2% स्पेंड नहीं कर रहा है, वो 2% के ऊपर अभी आएंगे हम लोग, हाँ, तो पेनल्टी कितना है? 50,000 से 25 लाख ऑन कंपनी एंड ऑन ऑफिसर इन डिफॉल्ट. 3 साल का जेल और 50,000 से 5 लाख और बोथ. 3 साल का जेल और 50,000 से 5 लाख और बोथ. तो ये पेनल्टी प्लीज अपने को याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट. सेक्शन 135 में पहले भी एग्जाम में पेनल्टीज पूछी हुई है, तो तब पेनल्टी होती नहीं थी, तो तब हम लोग बोल देते थे एज पर सेक्शन 450 10,000 + 1,000 पर डे. अब पेनल्टी आ गया तो प्लीज फॉलो दैट पेनल्टी. ओके, स्पेशल डायरेक्शंस. भारत सरकार स्पेसिफिक कंपनीज को डायरेक्शन दे सकता है सीएसआर के लिए, जो कि अभी तक दिया नहीं है. सीएसआर के ऊपर रिपोर्ट अलग से बना के डालना पड़ेगा, जो कि मैं बता चुका हूँ. ये रहा शेड्यूल 7. शेड्यूल 7 पे वी विल टॉक लेटर, या पहले शेड्यूल 7 पे बात कर लें, फिर वो 2% पे आएंगे, क्योंकि मेन अमेंडमेंट तो यही है ना, 2%. तो ये डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले एक बार शेड्यूल 7 पढ़ा देता हूँ. ये देखो, शेड्यूल 7 इज एन एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज विच अ कंपनी कैन अंडरटेक फॉर द पर्पस ऑफ सीएसआर. क्या क्या आता है इसमें? येलो कलर मीन्स अमेंडमेंट है. बोलता है इरेडिकेटिंग हंगर, पॉवर्टी, मैल न्यूट्रिशन, एटसेट्रा एटसेट्रा. नया अमेंडमेंट स्वच्छ भारत कोष. भारत सरकार हैज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप अ फंड स्पेशली कॉल्ड स्वच्छ भारत कोष. तो उसमें भी आप दान दे सकते हो, वो भी सीएसआर माना जाएगा. नाइस. एजुकेशन एटसेट्रा पे स्पेंड करना, जेंडर इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, सीनियर सिटीजन वगैरह पे स्पेंड करना, एनवायरनमेंट के ऊपर स्पेंड करना, सॉरी काट दिया मैंने तो एक तरह से, एनवायरनमेंट के ऊपर स्पेंड करना, फ्लोरा फौना मतलब होता है वेजिटेशन वगैरह को ग्रोथ कराना, फॉरेस्ट को डेवलप करना, एनिमल वेलफेयर. इसमें भी एक फंड का नाम लिया गया, क्लीन गंगा फंड. भारत सरकार ने रिवर गंगा को क्लीन करने के लिए फंड सेटअप किया कॉल्ड क्लीन गंगा फंड. एक तो भारत सरकार व्हेनेवर द सेंट्रल गवर्नमेंट सेट्स अप अ फंड, द पर्पस ऑफ द फंड इटसेल्फ इज वेरी क्लियरली एविडेंट फ्रॉम द नेम ऑफ दैट फंड. क्लीन गंगा फंड मींस द फंड विल बी यूटिलाइज्ड फॉर क्लीनिंग गंगा रिवर. तो ये फंड सेटअप किया है. इवन मॉन्यूमेंट्स और नेशनल हेरिटेज, आर्ट एंड कल्चर को भी पिक्चर में रखा है. मिलिट्री के लिए ये नए आइटम्स ऐड हुए हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड देयर डिपेंडेंट्स इंक्लूडिंग विडोज. तो मिलिट्री वालों पे स्पेंड करने के लिए, स्पोर्ट्स पर्पस के लिए स्पेंड करने के लिए, ठीक है. ये आया ना अपना हैवी वाला अमेंडमेंट, हाई वोल्टेज. देखो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड पहले से था, एंड देन कोरोना में दे एडेड अ न्यू फंड कॉल्ड पीएम केयर्स. फुल फॉर्म देखो, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन एमरजेंसी सिचुएशंस फंड. पीएम केयर्स है, पीएम केयर नहीं है, पीएम केयर्स, केयर्स नॉट केयर. न्यूज चैनल्स में आए थे कि पीएम केयर फंड बोल के नकली बहुत सारे लोगों ने फ्लोट कर दिया पैसा हटने के लिए, वो गलत है. इट इज पीएम केयर्स फंड. आज का इनफैक्ट टाइटल ही देखो क्या रखा है, सीएसआर पीएम केयर्स. तो इसमें भी आप डोनेट कर सकते हो. फिर ये हुआ टेक इंप्रूवमेंट. इंडिया इज लिटिल बिहाइंड द अदर डेवलप्ड नेशंस ऑन द फ्रंटियर्स ऑफ टेक्नोलॉजी. सो टेक्नोलॉजी में जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज़्यादा अच्छा है. तो गवर्नमेंट ने बोला अगर आप टेक में भी इन्वेस्ट करते हो तो वो भी सीएसआर है, ठीक है. मैं इसको इतना लंबा सारा मैंने ये तोड़ फोड़ के ब्रेकअप करके लिखा है. अगर तुम ओरिजिनल शेड्यूल से जाके देखोगे ना तो बहुत गंदा से एक ही पैराग्राफ की तरह लिखा हुआ है, सो इट्स नॉट क्लियरली विजिबल ऑल्सो. यहाँ पर मैंने क्या किया, पूरा एकदम क्लियरली तोड़ फोड़ के एकदम अच्छे से बता दिया है. उसमें एक अमेंडमेंट भी आया था, ये रहा डिपार्टमेंट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी. ओके, नाउ लेट मी जस्ट गिव यू वन एग्जाम्पल, वेरी सिंपल एग्जाम्पल. यू नो इंडिया में बहुत सारे IITs हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. एक समय ऐसा था जब 11th 12th में मैं भी IIT जॉइंट एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहा था, नहीं हो पाया, अपनी अपनी बात है. तो जॉइंट एंट्रेंस का जो एग्ज़ाम होता है ना IIT का, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम. और IIT के अंदर जो मतलब स्टूडेंट्स लोग जाके पढ़ते हैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई, तो वो लोग अपने 4 या 5 साल के उस इंजीनियरिंग कॉलेज के दौरान बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं और नया नया कुछ टेक डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है. तो IIT के अंदर ही हम लोग बोलते हैं देर आर टेक्नोलॉजी इनक्यूबेटर. एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, टेक्नोलॉजी इनक्यूबेटर. IIT itself is a technology incubator. वहाँ आए दिन कोई ना कोई नया projects develop होता रहता है. अब देखो मान लो there are 1,000 projects which are being developed, तो उसमें successful होगा 50, 950 flop होगा. पर वही तरीका है, research and development वैसे ही होता है. तो इसमें भी अगर आप company donation देगी तो उसको भी हम लोग CSR मानेंगे. Great. Rural area development project, slum area development project,
स्लम एरिया का मतलब बोला स्लम एरिया शैल मीन एन एरिया विच हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द स्लम एरिया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटी। डिजास्टर मैनेजमेंट, कोई भी आप डिजास्टर मैनेजमेंट से फ्लड हुआ, अर्थक्वेक वगैरह कुछ हुए तो वहाँ विक्टिम्स लोग को जाके हेल्प कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो कवर्ड। इसमें सीनियर सिटीजन, चिल्ड्रन एजुकेशन, मैल न्यूट्रिशन सब कुछ कवर होता है। तो एज यू कैन सी शेड्यूल 7 इज अ वेरी डिटेल्ड कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट कंटेनिंग लॉट ऑफ एक्टिविटीज। आप जो भी एक्टिविटी सोचोगे ना वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसमें फॉल कर जाएगा, बिकॉज एमसीए ने फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस इशू किए थे सीएसआर के और उन्होंने क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट किया था दैट मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज विच यू कैन थिंक ऑफ एज सीएसआर विल इनडायरेक्टली कम इन दिस शेड्यूल 7। ये हो गया नाइस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट शेड्यूल 7 में जो फंड है वो फंड कौन सा है? प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड और पीएम केयर्स। ये फंड का नाम याद रखना। गुड, अब हम लोग ऊपर चलते हैं, ये रहा, इधर आते हैं। सेक्शन 135 का 5, हाउ मच अमाउंट इज टू बी स्पेंट ऑन सीएसआर एंड इफ इट इज नॉट स्पेंट देन व्हाट इज टू बी डन। बैक टू द नोट्स, सीएसआर में स्पेंड कितना होना चाहिए? देखो एटलीस्ट 2%। तो गवर्नमेंट ने खुद बोला कि 2% तो मिनिमम है, आप ज्यादा भी कर सकते हो विच इज नाइस। नाउ 2% ऑफ करंट ईयर का प्रॉफिट की पुराना, बोलता है कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। मतलब ये सपोज फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, अभी एक फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो इसके ठीक पहले 3 इमीडिएटली प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो प्रॉफिट है उसका आपको एवरेज निकालना है। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट का डाउट आता है कि सर ये जो एवरेज प्रॉफिट आप बोल रहे हो ये कौन सा प्रॉफिट है? क्योंकि सर प्रॉफिट बहुत तरह के होते हैं, तुम लोगों ने सुना होगा FM में अपने बोलते हैं EBITDA, EBIT, PBT, PAT, तो ये कौन सा प्रॉफिट है? बोला ना ये PBT है, ना ये EBIT है, ना ये PAT है, ये है एडजस्टेड नेट प्रॉफिट एज पर सेक्शन 198। एक सेक्शन है 198 मैनेजरियल रेमुनरेशन का, उसमें प्रॉफिट्स में बहुत सारे प्लस माइनस एडजस्टमेंट्स करके एक प्रॉफिट का फिगर आता है विच इज कॉल्ड एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। तो बोलता है वही फिगर लेना पड़ेगा आपको, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, यू विल नॉट बी आस्ड अबाउट इट इन एग्जाम बिकॉज सेक्शन 198 सिलेबस में नहीं है, यू जस्ट नीड टू लर्न द नंबर इफ यू कैन सेक्शन 198। सो आप 3 इमीडिएटली प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स या फिर अगर आपको इनकॉर्पोरेशन हुए अभी 1-2 साल ही हुआ है तो जितना भी 1-2 साल हुआ है उसका आप हर साल का एडजस्टेड नेट प्रॉफिट निकालो अंडर सेक्शन 198 और फिर उसका लास्ट 3 साल या फिर अगर कंपनी हैज नॉट बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर लास्ट 3 ईयर्स, लेट्स से द कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड 1 or 2 years अगो, तो उसी का आप निकालो एडजस्टेड नेट प्रॉफिट और फिर एवरेज करो एंड देन उसका 2% यू हैव टू स्पेंड ऑन CSR। सो दैट वॉज सिंपल, ये तो समझ में आता है। वॉट इफ दैट अमाउंट इज नॉट स्पेंट? अब आया ना तगड़ा अमेंडमेंट, ये रहा, तो ये रहा तगड़ा अमेंडमेंट। हेडिंग क्या दिख रही है आपको? प्लीज कॉपी दिस, ये कॉपी करना है। बहुत जन मुझसे, मुझे मालूम है कि कमेंट्स में बोलेंगे कि ये भी डाल दो। देखो मैं क्लियर बोल देता हूँ, मेरे प्रिंटेड नोट्स वगैरह होते हैं वो मैं रेफरेंस के लिए, मतलब जो भी सिलेक्टेड वीडियो से उतना आई विल पुट ऑन वेबसाइट और यूट्यूब, मैं लिंक दे दूंगा नीचे। बट प्लीज़ डोंट आस्क मी कि कॉपी के नोट्स और डायग्राम्स वगैरह भी डाल दो। आई ऑलवेज बिलीव वो तुम देखो वीडियो तुम्हारे आँख के सामने, कॉपी करो, प्लीज़ कॉपी करो, हाथ चलाओ। ओके, अनस्पेंट CSR अमाउंट का क्या होगा? मान लीजिए 2% हमारा फंड था, 2% का हमारा टारगेट था, पर हमने सिर्फ 1% खर्च किया, 1% अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, दैट्स कॉल्ड अनस्पेंट CSR अमाउंट एज ऑन द फाइनेंशियल ईयर एंड। इसका क्या करेंगे? बोला दो पोर्शन, दो केसेस है, केस 1 केस 2। केस 1, केस 2, दो अलग अलग केसेस है। ठीक है, केस 1 या केस 2 में जाने के पहले मेरे को एक वर्ड सिखाना पड़ेगा, ऑनगोइंग CSR प्रोजेक्ट। ये वर्ड थोड़ा अपने समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि एक कंपनी ने बोला कि हम लोग हेल्थ पर्पसेस के लिए, प्रिवेंशन पर्पसेस के लिए एक हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट करेंगे जो चैरिटेबल हॉस्पिटल रहेगा। ठीक है, सो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ चैरिटेबल हॉस्पिटल इज अ CSR एक्टिविटी। ये शेड्यूल 7 में भी है, हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ है, तो ये एक CSR एक्टिविटी है। अब आप ही सोचो हॉस्पिटल्स वगैरह जो होंगे वो एक दिन में तो बनेंगे नहीं, इट टेक्स टाइम। हॉस्पिटल बनने में 3-5 साल का कुछ एक होराइजन हो सकता है, हॉस्पिटल बनने में टाइम लगता है। तो ऐसा कोई CSR स्पेंडिंग जो एक प्रोजेक्ट की तरह है जिसको टाइम लगेगा बनने में, रेडी होने में, सच अ थिंग इज नोन एज CSR प्रोजेक्ट। एक तो होता है CSR तुरंत खर्चा हो गया और एक होता है एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट बन रहा है उसमें पैसा खर्चा होते जा रहा है, सो दैट्स कॉल्ड ऑनगोइंग CSR प्रोजेक्ट। नाउ इन्होंने क्या बोला? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल,
सबसे पहले केस वन, अगर वो अनस्पेंट अमाउंट जो आपके पास पड़ा हुआ है सीएसआर का, इट डज नॉट बिलोंग टू एनी ऑनगोइंग सीएसआर प्रोजेक्ट, मतलब वो कोई सीएसआर प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ नहीं है, वो अनस्पेंट पड़ा रह गया, तो बोला बहुत ही बढ़िया बात है, आप उसको 6 महीने के अंदर प्राइम मिनिस्टर फंड में डाल दो। क्या करो, 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर आप उसको प्राइम मिनिस्टर के फंड में डाल दो। कौन सा प्राइम मिनिस्टर का फंड? प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड और पीएम केयर्स फंड में आप डाल दो। स्टोरी ओवर, डन। नहीं डाला तो? नहीं डाला तो सर पेनल्टी, नहीं तो पेनल्टी सर 50,000 से लेके 25 लाख ऑन कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर, इंप्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर्स और 50,000 से लेके 5 लाख तक का पेनल्टी और बोथ, वो लगेगा। सेकेंड स्टोरी, केस टू, सपोज द अनस्पेंट सीएसआर अमाउंट इज गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड इन अ ऑनगोइंग सीएसआर प्रोजेक्ट, तब गवर्नमेंट बोली बहुत अच्छा बात है, आप एक काम करो 30 डेज के अंदर एक बैंक में जाके अलग से एक अकाउंट खोल लो। ओके, जब हम लोग बैंक में जाके अलग से एक अकाउंट खोलते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, दैट्स कॉल्ड एस्क्रो अकाउंट। क्या बोलते हैं उसको? एस्क्रो अकाउंट। तो बोला आप एक काम करो, किसी भी शेड्यूल्ड बैंक में जाके अलग से एक बैंक अकाउंट खोल लो, जिस जो सीएसआर के लिए आपने बनाना है अनस्पेंट अमाउंट के लिए, उसका नाम रखो अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट। आप 30 डेज के अंदर ही, मतलब 30 अप्रैल 31 मार्च साल खत्म हुआ, आपके पास अनस्पेंट पैसा बचा है, तो 30th अप्रैल तक 30 दिन के अंदर आप बैंक में एक अलग से अकाउंट खोल लो जिसका नाम है अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट, उसमें पैसा डाल दो वो वाला, क्योंकि वो प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। और फिर आप उस प्रोजेक्ट के लिए, हम आपको 3 साल का समय दे रहे हैं, कितने का समय दे रहे हैं? 3 साल का। आप 3 साल के अंदर वो पैसा स्पेंड कर लेना तो चलेगा, ठीक है, ग्रेट। तो इफ द फंड, if the unspent amount represents a fund which is to be spent on an ongoing project, तब आप एक अलग से बैंक अकाउंट खोलो, उसमें वो पैसा डाल दो 30 दिन के लिए, 30 दिन में पैसा डाल दो उसमें 30 अप्रैल तक, और 3 साल तक का आपको मौका मिलेगा, आप 3 साल के अंदर उसको उस प्रोजेक्ट पे खर्चा करके स्वाहा कर लेना। अगर 3 साल में आप नहीं खर्च पाए और उसमें कुछ बैलेंस बचा, देन नेक्स्ट 30 डेज के अंदर आफ्टर द एंड ऑफ 3 ईयर्स, आफ्टर द एंड ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर्स, नेक्स्ट 30 डेज में आप उसको वही पीएम फंड में डाल देना। तो इधर देखो, ट्रांसफर दैट अमाउंट टू एन एस्क्रो बैंक अकाउंट कॉल्ड अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट विद इन 30 डेज एंड स्पेंड इट इन नेक्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स, फेलिंग विच ट्रांसफर इट टू पीएम एनआरएफ, मतलब नेशनल रिलीफ फंड और पीएम केयर्स, भाई जो इधर लिखा था, विद इन 30 डेज ऑफ द एंड ऑफ द 3rd फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। एक बार छोटा सा एक एग्जाम्पल बना के दिखाता हूँ, बहुत जन मेरे से डाउट पूछेंगे इसलिए। सपोज 31 मार्च 2020 हमारे हाथ में 5 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है अनस्पेंट, जो कि प्रोजेक्ट में लगेगा, हॉस्पिटल में लगेगा, तो आपको करना क्या है, 30 डेज के अंदर, 30 डेज मतलब आपका आएगा 30 अप्रैल 2020 तक, आप इस पैसे को बैंक में जाके किसी स्पेशल अकाउंट में खोल दो, एस्क्रो बैंक अकाउंट नोन एज अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट। अब आपके पास 3 साल तक का समय है, 3 साल मतलब 31 मार्च 20 से 3 साल काउंट होगा, ठीक है ना। इसमें लैंग्वेज में बहुत जन को डाउट होगा, इसलिए मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। 31 मार्च 20 से आप 3 साल काउंट करोगे, 21, 22, 23, तो 31 मार्च 2023 तक वो स्पेंड हो जाना चाहिए। नहीं स्पेंड हुआ तो नेक्स्ट 30 डेज के अंदर आप उसको पीएम के फंड में डाल देना, ओके, एंड प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। तो ये इतना बड़ा जो अमेंडमेंट आया अनस्पेंट सीएसआर को लेके, कितने सिंपल तरीके से अपने हो रहा है, एक बार ध्यान से सुनो। वॉट एवर अनस्पेंट सीएसआर अमाउंट इज लाइंग विद द कंपनी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, उसको हम लोग सोचेंगे 2 पार्ट में। केस वन, इफ इट डज नॉट रिलेट टू एन ऑनगोइंग सीएसआर प्रोजेक्ट, देन विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, यानी कि 30 सितंबर 2020 तक आप उसको पीएम फंड में डाल देना। पीएम के 2 फंड है, नेशनल रिलीफ फंड और पीएम केयर्स। सेकेंड स्टोरी, अगर मान लीजिए दैट अनस्पेंट सीएसआर अमाउंट एज ऑन 31 मार्च 20 रिलेट्स टू एन ऑनगोइंग सीएसआर प्रोजेक्ट, देन यू प्लीज ओपन अ स्पेशल बैंक अकाउंट इन अ शेड्यूल्ड बैंक, जिसका नाम रखना अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट, एंड पुट योर अनस्पेंट मनी इन दैट, स्पेंड इट इन नेक्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स एंड गेट अवे विथ इट। अगर नहीं स्पेंड हो पाया तो वेन द 3rd फाइनेंशियल ईयर एंड्स एंड स्टिल यू हैव सम अमाउंट अनस्पेंट, देन यू ट्रांसफर इट टू पीएम फंड विद इन नेक्स्ट 30 डेज। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हो, पूरे सेक्शन 135 में कोई भी चीज़ अगर लिखी हुई आप फॉलो नहीं करते हो, तो पनिशमेंट बता चुके हैं, 50,000 से 25 लाख, 50,000 से 5 लाख और 3 ईयर्स ऑफ बोथ, ठीक है। तो ये था अनस्पेंट अमेंडमेंट। नाउ
यहाँ पर अपना पूरा CSR का डिस्कशन कंप्लीट होता है। ये रहा देखो, A to Z मैं सब कुछ कॉपी में कवर कर चुका हूँ, जो भी है A to Z चीज़ें मैंने बता दी, कॉपी में कवर कर लिया। बहुत ईजी रहेगा तो वहाँ से पढ़ोगे, पनिशमेंट एकदम रट्टा मार लेना, महा इंपॉर्टेंट। शेड्यूल 7 को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक डाउट रहेगा, सर एम आई सपोज टू लर्न दिस बाय हार्ट? सी ऐसा चीज़ यू कैनॉट लर्न इट बाय हार्ट। अगर ऐसा चीज़ भी तुमको लर्न बाय हार्ट करना पड़े तो उसका मतलब तुम्हारे पास हार्ट है ही नहीं, क्योंकि ये CSR एक्टिविटी है। कॉमन सेंस से इंसान दिल से सोच देता है कि क्या क्या करना चाहिए। तो यू डोंट हैव टू मेमोराइज इट, यू सिंपली रीड इट 2 times। इफ यू रीड 2 times दैट इज इनफ, चलेगा। खाली हाईलाइटेड वाले को थोड़ा अच्छे से देख लेना, ज़्यादा और कुछ नहीं। सो दैट वॉज आवर डिस्कशन ऑन CSR। इट कवर्स एंटायर CSR टॉपिक इंक्लूडिंग ऑल दी अमेंडमेंट्स। थैंक यू।